हेलो बच्चों, आज की हमारी इस क्लासेस में आपके उसी जीओसी के सेक्शन पर ही अपन आगे बात करेंगे। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज का सेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आप लोग अगर अपने टेलीग्राम पर देखेंगे तो मैसेज पहुंच चुका है, एजुकेशन इंसाइट के टेलीग्राम पर देखेंगे तो एक मैसेज पहुंच चुका है बच्चों, इवन यूट्यूब पर देखेंगे तो एक मैसेज पहुंच चुका होगा। आज की हमारी क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे बेंजीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। क्या स्टडी करेंगे हम लोग? बेंजीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। क्या मतलब है? बहुत सुकून से सुनिएगा, क्योंकि जब हमारी बात 11th क्लासेस में से समझाने की होती है तो हम लोग इसे थोड़ा जल्दी 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 देख लेते हैं, समझ में नहीं आता, फिर उसका परिणाम बैड इफेक्ट हम लोगों को यहाँ नजर आएगा। बहुत सुकून से समझेंगे हम लोग। पहले अपना माइंड सेट करिए कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको। बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो एक काम तो आपने किया ही नहीं है, फटाफट करिए उसे, जितने इधर उतने उधर, जितने लाइव उतने लाइक, ठीक है? और जब भी वीडियो देखा करें बच्चों, मेरी आप लोगों से अपेक्षा ये होगी कि जब भी जो भी वीडियो देखें एजुकेशन इंसाइट की, अगर आप महसूस करते हैं बच्चों कि ठीक है सर समझा रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो भाई आप हमें केवल लाइक ही दे दीजिए। ओके बच्चों, ठीक, चलिए। तो कंप्लीट जो बच्चे रह गए लाइक करने से, वो कंप्लीट लाइक करिए। तो बेटा, अब मेरी आज की क्लासेस बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसे मैंने नाम दिया है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आपको ये जानकारी मैंने दी थी कि बच्चों प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं तीन प्रकार की होती हैं। कार्बनिक यौगिकों में होने वाली रासायनिक क्रियाएं मोटे तौर पर चार प्रकार की होती हैं कार्बनिक यौगिकों में। एक को बोलते हैं हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरी होती है योगात्मक या योगज या एडिशन रिएक्शन, थर्ड होती है विलोपन यानी इलिमिनेशन रिएक्शन, और फोर्थ होती है पुनर्विन्यास अभिक्रिया, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, पुनर्विन्यास अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया को पुनः तीन प्रकार से बांटा गया। प्रतिस्थापन कराया किस अभिकर्मक ने है? अगर प्रतिस्थापन इलेक्ट्रॉन स्नेही ने कराया है तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन कहेंगे बच्चों, नाभिक स्नेही ने कराया तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, और अगर मुक्तमूलकों ने कराया है तो मुक्तमूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। आज की हमारी क्लासेस इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर होगी, और ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आगे की क्लासेस का जीओसी इसी पर बेस्ड होने वाला है। इसमें मैं आपको ना केवल डायरेक्ट रिएक्शन भी बताऊंगा, वो तो होगी, मैं आपको उसकी मैकेनिज्म यानी क्रियाविधि से भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा। ओके बच्चों, सो लेट अस स्टार्ट। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इंग्लिश में कहते हैं अपन इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब शॉर्ट में कह देते हम लोग इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चों, ESR कह देते हैं, या फिर मैंने लिख दिया ES रिएक्शन, मतलब ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ई फॉर इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रॉन स्नेही रिएक्शन तो है, मतलब किसी कार्बनिक यौगिक से किसी परमाणु या समूह का हटाना होगा और वहां पर इलेक्ट्रॉन स्नेही को जोड़ेंगे। ठीक है, 5 मिनट में मैं आपको, और वो भी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन बच्चों हम लोग सीखेंगे बेंजीन के अंदर, जो कि आप लोगों ने 11th क्लासेस में हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में स्टडी की थी। बेंजीन में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं,
अगर मैं इसका चार्ट बनाऊं तो आप देखेंगे कि आप लोगों के टेलीग्राम ऐप पर मैंने डाल दिया है इसका चार्ट, आउटर फ्लो चार्ट का मतलब डायरेक्ट रिएक्शनों के लिए। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन इसने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बेंजीन के अंदर अगर मैं बात करूं तो उसमें मैं कहूंगा बेंजीन का हेलोजनीकरण, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, बच्चों बेंजीन का हेलोजनीकरण। दूसरा मैं कहूंगा बेंजीन का नाइट्रीकरण। इन शब्दों को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि जब रिएक्शन हम लोग अभिक्रिया पढ़ते हैं तो जब ये शब्द आते हैं तो हम सिर्फ लिखने का काम करते हैं, हम समझने में को विश्वास कम रख रहे हैं। तो एक एक शब्द को सुनिएगा, मजा आएगा आगे के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में, ठीक है ना। बेंजीन का नाइट्रीकरण। तीसरा बच्चों है बेंजीन का सल्फोनीकरण, ठीक है। चौथा है बच्चों बेंजीन की फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब ये जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है, बेंजीन की फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट वैज्ञानिक का नाम ही है ये, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कई जगह लिखी देखेंगे आप लोग, लेकिन कई जगह में यहां पर क्या पढ़ रहे हैं अपन, बेंजीन की पढ़ रहे हैं बच्चों, बेंजीन की फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, बेंजीन की। ये फिनॉल की फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया हो सकती है बच्चों, ये दूसरे और पदार्थों की हो सकती है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक है। यहां पर अपन बेंजीन की पढ़ेंगे जो दो प्रकार की होती है। एक फ्रीडल क्राफ्ट में एल्किलीकरण होता है बच्चों, एल्किलीकरण, तो उसे बोला जाएगा फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण कहेंगे उसे हम लोग, एल्किलीकरण। दूसरा होता है बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट एसिटलीकरण। तो मैंने आप लोगों को हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, बेंजीन का सल्फोनीकरण, बेंजीन का फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जिसमें आती है बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट एसिटलीकरण, ठीक है। अब जरा इसको थोड़ा सा ध्यान से विस्तृत तौर पर अपन समझने का प्रयास करते हैं। क्या कहने का मेरा मतलब है, आप गौर से इन रिएक्शनों को समझिएगा। ये मैंने बेंजीन का सूत्र लिखा या मैंने वले बनाई बेटा, और इसमें मैंने कुछ डायरेक्टली बताने के लिए, डायरेक्टली, ठीक है, जिनके डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे बच्चों आज, उसकी पूरी मैकेनिज्म को पढ़ेंगे। इसका यह अर्थ होता है, इसको कहते हैं आउटर फ्लो चार्ट। जब पूरी जानकारी हमारे पास हो जाए, उसकी क्रियाविधि वगैरह हम समझ लें, तो उसको हम लोग शॉर्ट में कैसे समझें, मतलब अगर एज ए नोट्स बनाए जाएं तो जो बात 5-6 पेजों में आती है उसको हम लोग आधे पेज में कैसे सीमित करें, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग वो चीज समझ चुके हैं बच्चों, तो उसको कम शब्दों में कैसे लिखें ताकि ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन टाइम, पेपर के टाइमिंग में हमें रिवाइज करना होगा तो हम वो 5-6 पेज ना देखते उसका शॉर्ट फॉर्म देखेंगे बच्चों, ओके, ठीक। तो मैं अगर हेलोजनीकरण की बात करता हूं, हेलोजनीकरण की, ठीक है, हेलोजनीकरण की, तो आप लोगों को याद होगा हेलोजनीकरण में डायरेक्टली या तो बच्चों आप लोग क्लोरीनीकरण करा सकते हो या आप ब्रोमीनीकरण करा सकते हैं। सीधे तौर पर फ्लोरीनीकरण, फ्लोरीनीकरण सीधे तौर पर कराने में अभिक्रिया अनियंत्रित, प्रचंड और विस्फोटक होती है बच्चों, और आयोडीनीकरण कराने पर अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो जाती है। अभी आप यह समझें कि हेलोजन के साथ होने वाली क्रिया को हम लोग हेलोजनीकरण कहेंगे, जिसमें बेंजीन का एक एच हटेगा और वहां हेलोजन जुड़ेगा। मतलब हेलोजनीकरण का मतलब, अभी आप बिल्कुल छोटे स्तर पर, जो उन्होंने कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th क्लासेस में समझी ही नहीं है, तो छोटे स्तर पर इस हेडिंग का अभिप्राय समझिए बच्चों। बेंजीन का हेलोजनीकरण का अभिप्राय होगा बच्चों बेंजीन के एच का प्रतिस्थापन करना, मतलब बेंजीन से एच हटेगा और बच्चों वहां हेलोजन जुड़ेगा। हेलोजन के तौर पर वो सीएल हो सकता है, हेलोजन के तौर पर बीआर हो सकता है,
इनको डायरेक्टली तौर पर समझ में आ गई, प्रतिस्थापन इसी को कहते हैं बच्चों। बेंजीन का एच हटाया गया और हेलोजन आया। अब ये कैसे आया, क्या आया, इन पर अपन डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल आप बिल्कुल जीरो लेवल से समझिएगा, उसका अर्थ समझिएगा। तो बच्चों क्लोरीन के साथ जब क्रिया कराएंगे तो हम यहां पर या तो लेते हैं APCl3। बच्चों ये APCl3 या लुइस अम्ल का काम करता है, जिसके बारे में मैं आपको डिस्कशन कराऊंगा। और हेलोजनीकरण में ही बच्चों अगर मैं ब्रोमीन के साथ क्रिया कराऊं, ब्रोमीन के साथ, तो ये मैंने फिर तिरछी लाइन खींच दी, यहां पर लेंगे अपन APBr3। बच्चों वही बात, यानी जो हेलोजन वही एपी वाला हेलोजन, एपी के साथ हेलोजन, जो ब्रोमीन वही एपी के साथ। इनका रोल क्या होगा बच्चों, ये तो आप समझ ही रहे होंगे, सर अभी बताने वाले हैं। अभी सर आपको एक फ्लो चार्ट बता रहे कि क्या अर्थ है। तो बच्चों बेंजीन का अगर एक एच हट गया और वहां सीएल जुड़ गया तो बच्चों बनेगा C6H5 सिंगल बॉन्ड सीएल, ठीक है। या हम कहेंगे बेंजीन का क्लोरीनीकरण हो गया तो क्लोरो बेंजीन बन गया। अब आप समझ सकते हैं आपके लिए 12th क्लासेस के हिसाब से क्यों इंपॉर्टेंट हो गई बेटा, कि सर जब हमारा 10वां चैप्टर चलेगा ना हेलो एल्केन हेलो एरीन वाला, उसमें जब हम लोग हेलो एरीन बनाएंगे, हेलो एरीन उनको कहते हैं जिनमें हेलोजन सीधे बेंजीन की वजह से जुड़ा होता है, तो हेलो एरीन बनाएंगे बच्चों, तो आप लोगों को मैं बताऊंगा या हम पढ़ेंगे या पढ़ लिया होगा कि बेंजीन के हेलोजनीकरण से एरिल एलाइड सामान्य नाम है, हेलो एरीन आई पेशी नाम है के बनाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। इसी तरह से अगर मैं ब्रोमीन के साथ क्रिया कराऊंगा बच्चों तो ये बनेगा ब्रोमोबेंजीन, ठीक है ना, या तो क्लोरोबेंजीन बनेगा या ब्रोमोबेंजीन बनेगा। ये हेलोजनीकरण का मकसद मैंने बताया अभी आपको, जिनकी रिएक्शन की क्रियाविधि पर अपन अभी परिचित होने जा रहे हैं, ठीक है। दूसरी रिएक्शन जो आप देख रहे हैं बेंजीन का नाइट्रीकरण, तो बेंजीन के नाइट्रीकरण का मतलब होगा बच्चों बेंजीन का पढ़ रहे हैं इसलिए बेंजीन का एच का प्रतिस्थापन होना और नाइट्रो समूह द्वारा होना, किसके द्वारा बच्चों, नाइट्रो समूह जाकर जुड़ेगा वहां, बेंजीन का एच हटेगा और NO2 जुड़ेगा बच्चों। मतलब अगर मैं यहां डायरेक्ट प्रोडक्ट बताऊं आपको तो आपको के बेंजीन का एच हटाओ सर NO2 जोड़ो, तो आपको के सर बन गया नाइट्रो बेंजीन। अब ये कहां पढ़ने को मिलेगा, तो आपके 12th क्लासेस में जब हम लोग एमीन या नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 13 बेटा 13, तो वहां नाइट्रो यौगिकों को बनाने की विधियों में हम इस प्रकार के नाइट्रो यौगिक जो एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक कहलाते हैं, जिनमें NO2 सीधा बेंजीन की वजह से जुड़ा है, तो वहां जाकर आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, नाइट्रो बेंजीन। अब प्रश्न आता है कि सर ये सीएल तो समझ में आता है कि क्लोरीन और APCl3 से मिलता होगा, ब्रोमीन और FeBr3 से, ये नाइट्रोबेंजीन के नाइट्रीकरण के लिए NO2 कहां से आएगा, तो मैं यहां पर वो परिस्थितियां अभिकर्मक लिख रहा हूं बच्चों। सांद्र HNO3, क्या सांद्र HNO3 और लिया जाता है सांद्र H2SO4। बच्चों एक बात अपने दिमाग में और बिठा ले आप कि सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 के मिश्रण को हम लोग नाइट्री कारक मिश्रण कहते हैं। सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 का मिश्रण नाइट्री कारक मिश्रण कहलाता है बच्चों, ठीक है। तो इनकी क्रिया से NO2 बनेगा, वो NO2 बेंजीन के एच का प्रतिस्थापन कराएगा, जिसे अभी अपन क्रिया विधि में समझने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। तीसरी क्रिया जिसको कहते हैं अपन सल्फोनीकरण, इसके अंदर हम लोग सांद्र H2SO4 या सधूम H2SO4 भी ले सकते हैं हम लोग। सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया कराएंगे बच्चों, बेंजीन के सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया कराएंगे तो होगा क्या, बेंजीन के एच का प्रतिस्थापन, यहां एच हटकर बेटा सल्फोनिक समूह जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, सल्फोनिक समूह जुड़ जाएगा। इससे अगर उत्पाद की बात करें तो बेंजीन का उत्पाद बनेगा वो SO3 है, जिसको कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। क्या नाम है इसका, बेंजीन सल्फोनिकम, इसका नाम है नाइट्रोबेंजीन, और ये तो आप देख रहे हैं या तो फेनिल क्लोराइड फेनिल ब्रोमाइड कह दो सामान्य नामों में, या कह दो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बच्चों, इज दैट क्लियर। इसी तरह से आगे बढ़े फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया बच्चों, जो दो प्रकार की होती है, एक को कहते हैं अपन एल्किलीकरण, एल्किलीकरण इसलिए कहते हैं क्योंकि बेंजीन के एच का प्रतिस्थापन बच्चों,
एच हटेगा बेंजीन का और वहां एल्किल समूह आएगा, एल्किल, एल्किल मेथिल एथिल प्रोपिल एन प्रोपिल आइसोप्रोपिल ब्यूटिल कुछ भी हो सकता है बेटा, तो ये बेंजीन की फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाएगी। मतलब अगर मैं एल्किलीकरण की बात करूं तो वो एल्किल आएगा कहां से, तो हम उस स्थिति में एल्किल क्लोराइड की क्रिया, बच्चों एल्किल क्लोराइड की क्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं, मतलब बेंजीन के साथ एल्किल क्लोराइड। अच्छा एल्किल क्लोराइड में बच्चों अगर मैंने मेथिल क्लोराइड ले लिया, मेथिल तो क्लियर बात और हो गई, मेथिल मतलब बेंजीन का एच हटेगा और मेथिल जुड़ेगा। अब इनके क्या रोल है बच्चों, ये तो अपन देखेंगे, ये लुईस अम्ल का काम करेंगे जिन पर अपन डिस्कशन करेंगे अभी, अब ठीक है ना। तो ये बन जाएगा बेंजीन का एच हटाकर बच्चों जोड़ दिया जाता है CH3 यानी टालुइन बन गया। बेंजीन से टालुइन कैसे बनाएंगे, तो आप कह सकते हैं बेंजीन की फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया करा देंगे, राइट। चलिए तो ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण हो गया बेटा, एल्किलीकरण फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण हो गया। ये क्या हो गया बेटा कि सर ये सल्फोनीकरण हो गया, सल्फोनीकरण हो गया। ऐसा एक आउटर फ्लो मैं आप लोगों को भेज चुका हूं, अभी थोड़ी देर बाद आप देख लीजिएगा। ये कहलाएगा बेटा नाइट्रीकरण, बेटा नाइट्रीकरण। समझ में आई थोड़ी थोड़ी सी बात। इसी तरह से हम लोग अगर एसिटलीकरण की बात करेंगे, एसिटलीकरण, अब एसिटलीकरण क्या होता है बच्चों, तो बेंजीन के एच का प्रतिस्थापन एसिटिल समूह द्वारा होना, इसको एसिटिल समूह कहते हैं बेटा, ठीक है। एसिटिल समूह अगर CH3 जुड़ा है तो एसिटिल ही कहते हैं एसिटिल समूह, और R जुड़ा है तो एसिल समूह कहेंगे, एसिल, अभी एसिटिल कहेंगे, R की वैल्यू CH3 जुड़ी है। तो इसकी क्रिया कराते बच्चों CH3COCl जिसका नाम है एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराएंगे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, वही जो ऊपर लिखा था। अच्छा इससे बेंजीन का एच हटेगा और बेंजीन के एच हटने के बाद जुड़ जाएगा बेटा COCH3। इस यौगिक का नाम होता है एसिटोफिनोन, जो कि एक प्रकार का एरोमेटिक कीटोन बना दिया गया, एसिटोफिनोन। इसका नाम होता है बच्चों टालुइन, ठीक है ना, IPC में कह सकते हैं मेथिल बेंजीन। इसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बच्चों, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। और ऊपर जो बनाया गया इसका नाम नाइट्रोबेंजीन है, ठीक है। तो आपको ये तो उतारने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैंने ऐसा फ्लो आप लोगों के पास पहुंचा दिया है, लेकिन नहीं मिल पा रहा तो फटाक से आप लोग इसका एक सिंपल सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आपकी इसको डिटेल्स में ले जा रहा हूं। अब डिटेल्स में जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो आप लोग फटाक से बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने आप को यह जवाब दीजिए कि बेंजीन के हैलोजनीकरण का अभिप्राय क्या है बच्चों, बेंजीन के नाइट्रीकरण का क्या अभिप्राय है, बेंजीन का एच हटना NO2 के द्वारा, बेंजीन का एच हटना हैलोजन के द्वारा, बेंजीन का एच हटना SO3H के द्वारा, बेंजीन का एच हटना एल्किल समूह के द्वारा, बेंजीन का एच हटना एसिटिल समूह के द्वारा बच्चों, ये कहलाएंगी बेंजीन की। अच्छा ये जो क्रियाएं हैं प्रतिस्थापन है, ये बात तो समझ में आती है, पर मैं एक जो शब्द बता रहा हूं कि ये सारी क्रियाएं बेंजीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, मतलब बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन स्नेही का अटैक होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही का। इसका मतलब इस पूरी कहानी को समझने के लिए चलिए आइए जुड़िए मेरी इस क्लासेस से, जिसमें मैं आपको बेंजीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं से मैं परिचित करा रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो आउटर फ्लो को बनाने के बाद अब हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि सर एक तो टोटल क्रिया कैसे लिखी जाएगी और उसकी क्रिया विधि क्या है। यहां हम लोग इनकी क्रिया विधि के बारे में परिचित होंगे, क्योंकि जब आप 12th क्लासेस में जाएंगे तो यह बात थोड़ा ना आएगी बेटा, 12th क्लासेस में बेंजीन की क्रियाएं नहीं आएंगी, डायरेक्ट क्रिया में बताएंगे आप लोगों को कि हमने पढ़ा होगा। अब अलग बात है कि हम लोगों ने जब पढ़ा ही नहीं है तो हम लोग इधर उधर देखते हैं, अपने आप को कोसते हैं, अपना टाइम देखते हैं कि भाई हमसे गलती हो गई, तो वो गलती को अब सुधार सकते हैं बेटा, ठीक है ना। आप लोगों को जब आपके फारूकी सर क्लासेस ले रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको उनकी क्लासेस को समझना चाहिए, उनका हौसला अफजाई भी करना चाहिए कि नहीं हाँ सर ठीक है चलो सर समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको भी मैं मिटा देता हूं बच्चों, क्योंकि हमारे माइंड में हेडिंग तो आ गई कि हाँ सर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ा रहे हैं। जिस क्रिया को डायरेक्ट लिखा गया
या फ्लो चार्ट बनाइए बच्चों, उसकी क्रियाविधि तक जाएंगे। क्रियाविधि कोई नया शब्द नहीं होना चाहिए आप लोगों को, मैकेनिज्म को समझना, किसी अवक्रिया की स्टेप बाय स्टेप को अध्ययन करना अवक्रिया की क्रियाविधि कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अवक्रिया तीन पदों में पूर्ण हो गई। कितने पदों में? मोटे मोटे तौर पर तीन पदों में पूर्ण होगी। हम बात कर रहे हैं मैकेनिज्म की, MECHANISM, मैकेनिज्म बोले तो क्रियाविधि बेटा। ठीक है, क्रियाविधि आपको मैंने अभी बेंजीन की क्रिया कौन सी करा रहे हैं, उसमें कौन से अभिकर्मक प्रयुक्त होंगे, यह अभी आपने आउटर फ्लो में देख लिया है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको वन बाई वन एक तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। मान के चलिए बच्चों, मैंने समझाया आपको, सबसे पहले जैसा मैंने कहा क्रियाविधि तो तीन पदों में पूर्ण होगी। पहला पद नंबर एक, इलेक्ट्रॉन स्नेही की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन स्नेही की उत्पत्ति। मतलब पहले यह पता लगाएंगे हम लोग कि जो आपने सर एरो के ऊपर जो पदार्थ लिख रखे है ना अभिकर्मक, उनके संयोग से इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन बनेगा। वो तो सिंपल बात हो जाती है, बेंजीन का एच हटाकर एनओ टू जोड़ना, बेंजीन का एच हटाकर हैलोजन जोड़ना, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है। इलेक्ट्रॉन स्नेही कैसे बनता है वो अपन यहां समझाएंगे। अपन दूसरा स्टेप होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन स्नेही उत्पत्ति के बाद दूसरा महत्वपूर्ण उपयोग होगा इसमें, वो जो इलेक्ट्रॉन स्नेही बन चुका होगा ना, वो अटैक करेगा बेंजीन पर, जिससे बनेगा कार्बोकैटाइन का निर्माण। कैटाइन का निर्माण, ठीक है। फिर जो कार्बोकैटाइन बन जाएगा, जो अपन डिटेल्स में यह समझेंगे, फिर तीसरे स्टेप में आता है बच्चों, उस कार्बोकैटाइन से एच धनायन के रूप में निकल जाएगा, जिसको अपन कहेंगे वी प्रोटोनीकरण, एच धनायन का निकलना, राइट। ये कार्बोकैटाइन तो मध्यवर्ती के रूप में बनेगा, और तीसरा पॉइंट होगा कार्बोकैटाइन से यानी कार्ब धनायन, कार्बोनियम, एक ही बात है, कार्बोकैटाइन से बच्चों या कार्बोकैटाइन का वी प्रोटोनीकरण समझते हैं आप लोग। वी प्रोटोनीकरण मतलब प्रोटॉन का निकलना, प्रोटॉन कहते हैं एच धनायन को, कहते हैं वी प्रोटोनीकरण होगा बेटा, यानी एच धनायन का निष्कासन होगा, सीधे अर्थों में ये समझा। ठीक है, चलिए यदि अपन ने माइंड सेट किया कि हम हैलोजनीकरण रिएक्शन पढ़ रहे हैं, बेंजीन की हैलोजनीकरण अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, तो हमारे दिमाग में हैलोजनीकरण के लिए अभिकर्मक क्या मालूम होना चाहिए कि सर अगर आप क्लोरीन ले रहे हो तो उसके साथ आपको FeCl3 लेना है बच्चों, अगर आप ब्रोमीनीकरण करा रहे हो तो उसके साथ FeBr3 लेना है, या कई बार क्लोरीन के साथ केवल आयरन चून ले लिया जाता है और आयरन और क्लोरीन मिलकर FeCl3 बना देती है बच्चों। ठीक है ना, मैं अभी आपको यह बता रहा हूं। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो क्लोरीन और FeCl3 है, ध्यान से सुनिएगा, Cl सिंगल बॉन्ड Cl बच्चों प्लस FeCl3, अगर आप FeCl3 के बारे में समझ पा रहे हो तो इसमें लुइस अम्ल की तरह से यह व्यवहार करता है, यह बात मैंने आप लोगों को बताई थी। इसके पास जो रिक्त कक्षक होंगे उन रिक्त कक्षकों की वजह से यह इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही है, यह लुइस अम्ल का भी काम करता है, और यह नहीं लिया गया तो क्रिया आगे नहीं होगी, तो यह क्रिया को प्रारंभ भी करता है, इसलिए उत्प्रेरक का भी काम करता है बच्चों, उत्प्रेरक कैटलिस्ट। और उत्प्रेरक वे होते हैं जो क्रिया में लास्ट में उसी रूप में अलग हो जाते हैं, यानी खुद अपरिवर्तित होते हुए जिस रूम में डाले गए थे उसी रूम में निकल जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आप ये तो समझते हैं बच्चों कि ये Cl2 कि सर हां अध्रुवी अणु है, Cl2 कैसा है, अध्रुवी अणु है। मेरा तरीका देखिए मैं क्या कह रहा हूं, अब अध्रुवी अणु का मतलब बंद के इलेक्ट्रॉन बेटा किसी और नहीं खिसक रहे, समझ रहे हैं आप, लेकिन जैसे ये FeCl3 जो ध्रुवी अणु है इसके संपर्क में जब आता है, FeCl3 ध्रुवी के संपर्क में जब आता है, Cl2 FeCl3 के संपर्क में आता है, तो उसमें ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है,
बेटा ध्रुवता का मतलब ये समझिएगा, जैसे कोई ना पढ़ने वाला छात्र जो नहीं पढ़ता, कम पढ़ता या पढ़ता नहीं है, वो अच्छे बच्चों के संपर्क में आ जाता है, पढ़ने वाले बच्चों के संपर्क में आ जाता है, तो पढ़ने वाले बच्चे जो अच्छे बच्चे हैं वो उस ना पढ़ने वाले छात्र को शिक्षा देते हैं कि बेटा पढ़ ले भैया, पढ़ ले भैया, पढ़ाई एजुकेशन बहुत ज़िंदगी के लिए मायने रखती है। तो ऐसा कई बार सुन सुनकर वो भी पक जाता है और पक कर कह देता है लो पढ़ लेता हूँ, मतलब उसमें पढ़ने के गुण आ गए। इसको अपन कहते हैं कि अधुर्वी अड़ू में हमने ध्रुवता उत्पन्न कर दी, बच्चों ध्रुवता उत्पन्न कर दी, जो अधुर्वी था ऐसा समझ लो। तो एपीसीएल 3 जो ध्रुवी अड़ु है इसमें ध्रुवता उत्पन्न कर देगा, तो होगा क्या बेटा, ये सीएल से ये इलेक्ट्रॉन, अब सोचो सीएल पर लॉन पेयर होते हैं बच्चों, हाँ बताइए होते हैं ना, इस पर भी होंगे तीन तीन लॉन पेयर, तो ये एपी के साथ ये लॉन पेयर इसके साथ बंद बनाने लगेगा, और जैसे जैसे बंद बनेगा समझना, इस क्लोरीन के जो लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन है वो एपी के साथ बंद बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन किसके लगेंगे, क्लोरीन के, क्योंकि लुईस अम्ल है, समझ में आ गई। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बच्चों, ये क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन जब एपी के साथ बंद बनाने लगे तो क्लोरीन पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, समझ रहे हैं आप, और क्लोरीन पर जब इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, इलेक्ट्रॉन इसके साथ बंद बनाने से बच्चों, तो क्लोरीन अब एक्टिव हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, तो ये क्लोरीन क्या करेगा, इस बंद के इलेक्ट्रॉनों को अब अपनी तरफ आकर्षित करेगा, यानी जब ये इलेक्ट्रॉन को ये सीएल आकर्षित करेगा, ये खींचेगा, तो अब इस बंद में जो ध्रुवता थी नहीं बच्चों, ध्रुवता आ गई। जिसमें ध्रुवता ना हो, ध्रुवता आ जाए किसी कारण से, हम उसे बोलते प्रेरित द्विध्रुव, प्रेरित द्विध्रुव, दूसरे की प्रेरणा से आई है, थी नहीं उसमें ध्रुवता, दूसरे की प्रेरणा से आई बच्चों, ठीक है। तो जैसे ही बच्चों ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जलेंगे, क्यों चलेंगे, समझ में आ गई बात, इस पर जो लॉन पेयर होते हैं वो एपी के साथ बंद बनाएंगे, तो इसके इलेक्ट्रॉन अगर इसके साथ बंद बनाने लगे, क्योंकि इसके पास रिक्त कक्षक होते हैं बच्चों, तो ये इलेक्ट्रॉन जो लॉन पेयर है इसके साथ बंद बनाने लगे, तो इस पर कमी आ जाएगी, और जब कमी आती है तो वो इस बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, तो बेटा यहां पर ध्रुवता उत्पन्न होगी। तो ध्रुवता की वजह से मैंने लगा दिया आंशिक नेगेटिव, आंशिक पॉजिटिव, समझना ध्यान से, ध्रुवता होती नहीं है, एपीसीएल 3 की वजह से ध्रुवता आई है बच्चों, और जैसे ये ध्रुवता आएगी बच्चों, इसका बंद विखंडन होगा और ये बिस्मांस विखंडन होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस सीएल के तरफ जाकर ये सीएल ऋणायन इस एपीसीएल 3 के साथ जुड़ेगा बच्चों, और जुड़ गया, जुड़ी रहा था वो तो मैंने बताया था आपको, एपीसीएल 4 नेगेटिव हो गया, क्या नाम बन गया ये, एपीसीएल 3 के साथ बच्चों ये सीएल नेगेटिव बंद के टूटने पर सीएल नेगेटिव जुड़ गया, एक प्रकार का उपसहसंयोजी यौगिक बन गया। आपके 10वें चैप्टर में उपसहसंयोजी यौगिकों का नामकरण है, तो मैं आपको बिना लिखे ओरली बोल रहा हूं उसको, ठीक है, क्योंकि अपन इसमें नहीं उलझना चाह रहे कि क्या नाम है, पर मैं बता रहा हूं आपको, इसका आईपीएससी नाम होगा, राजस्थान बोर्ड में सीएल को क्लोरो कहा गया है, एनसीईआरटी की बुक में क्लोरिडो कहा गया, तो मैं क्लोरो से चलूंगा, टेट्राक्लोरो फेरेट थर्ड आयन। जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे और उन्होंने उपसहसंयोजी यौगिक पढ़ रखे, तो इसका नाम क्या होगा बच्चों, टेट्राक्लोरोफेरेट थर्ड आयन, एपी की ऑक्सीकरण अवस्था थर्ड है। चलिए खैर, इससे ये जो सीएल दनाइन बना बच्चों, सीएल दनाइन, ये सीएल दनाइन का नाम होगा क्लोरोनियम, क्या नाम होगा, क्लोरोनियम आयन होगा। जब धनावेश आ जाता तो आयन जुड़ जाता, जैसे सी पर धनावेश तो कार्बोनियम, ओ पर धनाइन ऑक्सोनियम, एन पर धनाइन नाइट्रोनियम, तो यहां सीएल पर धनाइन क्लोरोनियम आयन। यही तैयार हो गया बच्चों इलेक्ट्रॉन स्नेही, इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही बोलते हैं, यही तो है जो बेंजीन पर अब अटैक करेगा, प्रहार करेगा, समझ में आ गई बात। तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही की उत्पत्ति होगी। तो ये हेलोजनीकरण में इलेक्ट्रॉन स्नेही ऐसे बना, नाइट्रीकरण में सांद्रचन उत्री और सांद्रेस्टोसोफोर की संयोग से NO2 धनायन बनेगा, समय होगा अपन बताने। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में मैथिल कार्बनायन बनेगा, फ्रीडल क्राफ्ट एसिडीकरण अभिक्रिया में एसिटिल कार्बनायन बनेगा, सल्फोनीकरण क्रिया में SO3 बनेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही में उसमें SO3 बनेगा। चलिए आइए बात करते हैं अपन, अब ये जो क्लोरोनियम आयन है, दूसरा स्टेप समझने लायक ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें अनुनादी संरचनाएं बनती हैं बच्चों। ये बेंजीन बनाया, सबसे पहले तो आप बेंजीन के बारे में क्या जानकारी रखते हैं, बेंजीन के बारे में आपके पास बच्चों ये जानकारी होनी चाहिए कि बेंजीन के अंदर सभी कार्बन सममित होते हैं। ये बात हमने अनुनाद से भी बात करी थी बच्चों, सममित का मतलब होता है
ये जो तीन पाई बंद आपको दिखाई दे रहे हैं, वास्तविकता में इन तीन पाई बंद यानी छह पाई इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉन घनत्व सभी छह कार्बनों पर समान रूप से फैला है। इसको सुनिएगा, क्योंकि कल या आने वाले समय की जो मेरी वीडियो होंगी तो वो बहुत महत्वपूर्ण इसी बेस पर चलेंगी। बेंजीन से कोई समूह नहीं जुड़ा बच्चों, कि सर समूह जुड़ जाएगा, तो समूह के जुड़ते ही बेंजीन वाले की जो सममितता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व जो वाले में समान रूप से फैला हुआ है बच्चों, वो समान रूप से नहीं फैलेगा। कुछ स्थानों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा तो कुछ स्थानों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आ जाएगी। लेकिन किन में बच्चों? अगर बेंजीन से कोई समूह जुड़ा होगा तो, और उसके जुड़ने के वजह से, ध्यान से सुनिए, उसके जुड़ने से इलेक्ट्रॉन इसने ही अपनी मर्जी से आक्रमण नहीं करेगा, उसको वो समूह निर्धारित कराएगा कि तुम्हें कहां जुड़ना है। बच्चों इसी को कहते हैं अपन समूहों का निर्देशक प्रभाव या समूहों का दिशात्मक प्रभाव, जिन पर अपन एक दो दिन बाद चर्चा करेंगे, क्योंकि वो चर्चा करने से पहले बेंजीन के बारे में समझना बहुत जरूरी है, यहां से अपने दिमाग में आना चाहिए। और वो समझाने के दौरान ही मैं बताऊंगा अनुनाद और मेसोमेरिक में थोड़ा सा मेज डिफरेंस क्या है। बच्चों चलिए आते हैं, देखिएगा, तो मैंने ये बताया बच्चों यहां पर कि बेंजीन में ये जो पाईबंद बनाए गए हैं, दरअसल ये इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है बेंजीन में सभी जगह समान रूप से फैला हुआ है। और मैं किसी भी जगह, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, सब जगह हाइड्रोजन जुड़े हैं, हर कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, मैंने एक जगह हाइड्रोजन को दिखा दिया बच्चों, समझ में आ रही बात, एक जगह हाइड्रोजन को दिखा दिया है। तो बेंजीन की बल इलेक्ट्रॉनों से भरी हुई है, भरी होने का मतलब है काफी इलेक्ट्रॉन घनत्व इसके अंदर है, पूरी बलय के अंदर इलेक्ट्रॉन घनत्व फैला हुआ है। तो ऐसी स्थिति में बेंजीन स्वयं बेंजीन काम करने लगती है नाभिक स्नेही की तरह, क्योंकि इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है बच्चों, और यह काम करने लगता है इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। समझना ध्यान से, बेंजीन काम करने लगेगी, बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन घनत्व तो है, तो यह काम करती है नाभिक स्नेही की तरह, यह चाहेगी कि मैं नाभिक स्नेही पर अटैक करूं, नाभिक स्नेही के साथ जोड़ू। और बच्चों सीएल धनायन क्या चाहेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन घनत्व जहां ज्यादा है वहां पर अटैक करूं। पता यह चला कि यह सीएल धनायन बेंजीन के किसी भी कार्बन पर ध्यान रखना, क्यों बच्चों? क्योंकि बेंजीन की वलय में यह पाई इलेक्ट्रॉन जो है यह सब जगह समान रूप से फैले हुए, कहीं ज्यादा कहीं कम नहीं है। लेकिन जब बेंजीन से कोई क्रियात्मक समूह जुड़ेगा, जो मैंने आपको बताया है कि समूहों का निर्देशक प्रभाव जिसको अपन कहते हैं बच्चों, तब उसमें बताया जाएगा इलेक्ट्रॉन घनत्व कुछ स्थानों पर बढ़ता है जो ऑर्थो पैरा होते हैं, मेटा स्थितियां प्रभावित रहती है, या कुछ स्थानों पर कम होता है वो भी ऑर्थो पैरा होते हैं, मेटा स्थितियां प्रभावित होती है, जो ऑर्थो पैरा मेटा वाली बात आएगी बच्चों। अभी आप बहुत जीरो लेवल से बेंजीन के बारे में देखिए, कंटिन्यूअस अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो मैं ये बता रहा था यहां आपको कि सीएल धनायन के बारे में आपको जो मैंने बताया कि कहीं भी अटैक कर सकता है, तो कहीं तो दिखाऊं मैं, तो मैं यहां पर मैंने यहां दिखाया बेटा, ध्यान से सुनिए, इस जगह दिखाया, इस जगह दिखाने का मतलब ऐसा किसी भी जगह कर सकते थे अपन, क्योंकि सब जगह इलेक्ट्रॉन घनत्व तो समान है, सममितता है बेटा, राइट। तो क्या होगा, सीएल धनायन जब यहां आक्रमण करेगा तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना बेटा बले के पाई इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ ये सीएल जुड़ जाएगा, क्योंकि स्वयं के पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं। सीएल धनायन मतलब क्लोरोनियमाइन, जो किसकी तरह से काम कर रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह से काम कर रहा है। और इसके अटैक होने के बाद आगे की कहानी को समझना, यह कहलाता बेटा इसका स्लो स्टेप। और जैसा कि आपको बता दूं, स्लो स्टेप को ही अवक्रिया का वेग निर्धारक पद कहते हैं, और अवक्रिया का नाम, ध्यान से सुनिए, अवक्रिया का वेग और अवक्रिया का नाम के किस नाम से जानी जाएगी वो इसी पर डिपेंड करता है। धीमी गति पद में, स्लो स्टेप में कौन ने अटैक किया है, अवक्रिया का नाम उस पर डिपेंड करेगा, राइट। इसलिए अपन इसको इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अवक्रिया कहते हैं बच्चों, ठीक है। ये मैंने वैसे ही बनाया बच्चों, बेंजीन की वलय जो होती है, ये एच जैसा जुड़ा था बेटा ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैंने इसके साथ जोड़ दिया बच्चों सीएल, ये सीएल, ये सीएल के इलेक्ट्रॉन कहां से आए मैंने यहां दिखाया, ये जो लाल कलर से मैंने दो इलेक्ट्रॉन बनाए ना, पाईबंद बनाए, ये कार्बन कार्बन के, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे बच्चों, यहां शिफ्ट होकर ये सीएल धनायन बच्चों इसके साथ जुड़ जाएगा, ये बन गया। आगे जैसा दिख रहा है आपको, जो परिवर्तन जहां नहीं आए बच्चों वो बनाएंगे, देखिएगा, दिक्कत बताइए, और वीडियो को देखकर सो मत जाइएगा बेटा,
खाना खाने से पहले अगर खाना नहीं खाया तो इन रिएक्शनों को रफ कॉपी पर बना बना कर अपने दिमाग में बिठाने का प्रयास करिए कि सर ने ये देखा, समझ में नहीं आया फिर वीडियो स्टार्ट कर लो। समझ में आ रही बात? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप ये सोचो जा देख लो टाइम पूरा हो गया हमारा खत्म, नहीं, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रफ कॉपी पर यह बना बनाकर देखना पड़ेगा, अपने आप को सेटिस्फाई करना पड़ेगा बच्चों कि हां मैं इसका अर्थ ये समझ पाया हूं। ठीक है, इस पॉइंट पर क्या हो जाएगी बच्चों, कमी इस पॉइंट पर होगी कि नहीं, जिसको ऑर्थो पोजिशन कहते हैं हम लोग। ये यहां मैंने बना दिया प्लस चार्ज, कमी हो गई। अब आपको देखो अनुनाद की शर्त नजर आएगी, दिखाएगी कि नहीं कि हां सर देखो धनावेश और डबल बॉन्ड सही में स्थिति पर है। धनावेश वाला पॉइंट ये, डबल बॉन्ड वाला पर पॉइंट ये, तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन बेटा धनावेश है। ये तीर का चिन्ह देखो मैं कैसे समझा रहा हूं उसको देखिएगा। ठीक है, ये हमने इसकी अनुनादी संरचना बना रहा हूं मैं आपको, इसलिए एक एक स्टेप से अपन आगे बढ़ रहे हैं। हर चीज को समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप हम समझ रहे हैं कि ठीक है सर, ओके। अब आप देखिएगा ये पाईबंद के इलेक्ट्रॉन जो इन दो कार्बनों पर फैले थे बेटा, वो यहां संयुग्मन करके यहां आ गए, ये जैसा था वो यहां बनाए रखा, और इस पॉइंट पर मैंने लगा दिया धनावेश बच्चों। ठीक, अब आपको फिर दिखाई देगा धनावेश और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेट पोजिशन दिखाई देगी आपको, तो ये पाईबंद के इलेक्ट्रॉन फिर यहां दिखाए। तो ये जो सुन रहे हैं आप लोग, जो देख रहे हैं, इसको आप प्रैक्टिस भी तो करोगे तभी तो कोई चीज समझ में आएगी। सुनने देखने से पूरी तरह से आ जाए ऐसा संभव नहीं होता, हर छात्र एक जैसा नहीं होता, इसलिए रफ कॉपियां भरनी होंगी आप लोगों को, बार बार देखना पड़ेगा, अपने आप को बच्चों सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि मैं इसका मतलब समझ पाया कि नहीं, कि मैं बस केवल तीर सा घुमाता चला जा रहा हूं, फॉर्मेलिटी कर रहा हूं, तो नहीं। ये देखो, ये देखो, ठीक है बेटा, यहां से आ गए कि सर हां इस जगह कमी आ गई, इस जगह कमी आ गई। अब अगली कहानी क्या है कि आगे तो है ही नहीं है बेटा, कॉन्जुगेशन पोजिशन नहीं है, देखो धनावेश के आगे कॉन्जुगेट पोजिशन नहीं है, तो अब इससे ज्यादा संरचनाएं बच्चों नहीं बनेंगी। कितनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगी इसकी, तो आरएस बराबर तीन बनेंगी रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसकी। इसको कार्बोकेटाइन क्यों कहा गया, समझ में आ गई बात? इलेक्ट्रॉन स्नेही के बेंजीन बले पर, बले के किसी भी कार्बन पर, यह तो देख लिया, प्रहार करने से, अटैक करने से बच्चों कार्बन पर धनावेश आ गया। देखो कार्बन पर धनावेश आ गया, इसी को तो अपन कार्बोकेटाइन कहते हैं, मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन का निर्माण हो गया बच्चों, ठीक है ना, जिसकी तीन अनुनादी संरचनाएं आपने देखी। अब अगर मैं तीनों का अनुनादी संकर बनाऊं, जैसा कि आप जानते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं, तो बच्चों वो ये बनेगा, ये त्रिबंध नहीं है, समतुल, तीनों का मिला जुला रूप, अनुनाद देखा है कि नहीं? और फिर मैं आपको कह रहा हूं जो बच्चे ये देख रहे हैं, और अनुनाद मैंने बोल दिया, अनुनाद समझ में नहीं आता तो रेजोनेंस वन, वन बहुत महत्वपूर्ण है, जीरो लेवल की कहानी, फिर रेजोनेंस टू, फिर रेजोनेंस थ्री, इनको देखना अनिवार्य, नहीं तो सुन सुनकर तो आप पिछली क्लासेस से आ रहे थे बच्चों। ठीक है, चलिए, साइंस का एक तारतम्य होता है बच्चों, डायरेक्ट आकर हम लोग साइंस को नहीं समझ सकते, समय लगता है उसके लिए, आपको यह समय देना पड़ता है कि हम लोग उसकी जीरो लेवल से कहानी समझें, तब वो साइंस को समझने का मजा आता है। ये हमने इसका बच्चों अनुनादी संकर जो वास्तविक संरचना होगी, अब ये जो मैं बोल रहा हूं तब समझ में आ पाएगा जब रेजोनेंस की अनुनाद का फर्स्ट वीडियो, शुरुआती अनुनाद का दूसरा वीडियो देखेंगे। तो आप एजुकेशन इंसाइट पर, एजुकेशन इंसाइट आपने जो सब्सक्राइब कर रखा है बेटा, उस पर सर्च करो रेजोनेंस अनुनाद, आ जाएगा। ओके बच्चों, चलिए अब देखिए तरीका, देखिएगा आप गौर से देखिएगा, पहले मैं यहां दिखा रहा हूं इस जगह, देखो इस जगह बच्चों, ये जगह दिख रही है आपको, मैं जो उंगली फिरा रहा हूं, आप लोग अपने वीडियो को थोड़ा सा आप चाहो तो और थोड़ा सा उसका हाईलाइट करके देखिएगा, इस पॉइंट, इस कार्बन पर, इस कार्बन पर, देखो कहीं पर भी आपको डबल बॉन्ड, इस वाले कार्बन पर इस कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, इस कार्बन पर यहां से यहां तक नहीं है, यहां से यहां तक नहीं है, और बाकी आप देखेंगे सब जगह डबल बॉन्ड है। तो मैं अब गोला नहीं लगाऊंगा बेटा, गोला लगने का मतलब पाइबल है, मैं इलेक्ट्रॉन सब जगह नहीं फैले। अब अगर मैं ये कहूं तो अब ये वाली कुछ स्थिति है बच्चों, इतना बनाएंगे। और धनावेश का अगर मेरे से मतलब पूछोगे तो एक धनावेश का बच्चों कितनी जगह वितरण हुआ है, या तो हम ये लगा देते प्लस, जिसका मतलब है जहां जहां होगा वहां बना रहेगा, एक प्लस लगा दो, या व्यक्तिगत तौर पर अगर आपसे कहा जाए कि प्लस कहां कहां है, तो बेटा यहां पर लगाएंगे आप आंशिक धनावेश, आंशिक धनावेश, आंशिक धनावेश लगाएंगे ना, और उस आंशिक धनावेश की अगर मुझसे वैल्यू पूछोगे बच्चों तो मैं कहूंगा प्लस एक बटे तीन, एक धनावेश तीन जगह वितरण हो गया बच्चों, तो प्लस एक बटे तीन है। समझ में आई बच्चों? इसी तरह से मैंने क्या किया, अब हमारे लिए आगे का स्टेप होगा, क्योंकि अनुनादी संरचना बनी, कार्बोकैटाइन बन गया, तीसरा स्टेप होगा, जो कार्बोकैटाइन बन गया है उसका बच्चों क्या होना,
विप्रोटोनीकरण होना, प्रोटॉन का निष्कासन होना बच्चों, प्रोटॉन का निष्कासन, एच धनायन काटना। समझ में आ गई बात? चलिए इसको समझते हैं। अब ऑप्शन ये कि जो अनुनादी संकर आपने ले लिया उसको मैंने दोबारा बनाया बच्चों, यहां ये एच जुड़ा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन इसने ही जुड़ा गया था, और आगे की एबीसीडी बिल्कुल वही आप लोग अपने लिए बना सकते हैं कि हाँ सर ये डॉट 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 डॉट, मतलब समझ रहे हैं आप ये क्या चीज है, ये कि सर ये पाई इलेक्ट्रॉन है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, चार, क्योंकि दो पाई बंद, दो पाई बंद, दो पाई बंद, दो पाई बंद, एक पाई बंद मतलब दो इलेक्ट्रॉन, दो दुनी चार, चार इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब दूसरे अर्थों में कहूं कि यहां पर एरोमेटिकता खो देता है बच्चों, ये एरोमेटिकता, बेंजीन एरोमेटिक है पर ये एरोमेटिक नहीं है। क्यों नहीं है? एक तो पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए, दो, छह, दस, चौदह, अठारह, बाईस, राइट, इसमें तो चार है। दूसरी बात, वलय में भी विस्थानीकरण नहीं है, पूरी वलय में विस्थानीकरण होना चाहिए था। खैर चलिए, वो दोबारा उतारा मैंने, अगर आप चाहो तो ये आंशिक धनावेश, आंशिक धनावेश जैसा था आप लगा सकते हो, या फिर यहां प्लस लगा सकते हो आप लोग। अब सोचिएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा, ये जो नजदीकी धनावेश जो दिख रहा है ना इस पॉइंट पर, ये पॉइंट पर इसके, इसका नजदीकी कार्बन ये कहलाएगा जिसको अल्फा कार्बन कहेंगे। ध्यान से सुनिएगा, दिख रहा है आपको, इस धनावेशित कार्बन का ये कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा, इस धनावेशित का कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा, और धनावेश के नजदीकी कार्बन अल्फा कार्बन, ये दोनों धनावेश नजदीकी स्थितियों के अल्फा कार्बन पर एक प्रभाव डालेंगे। मतलब क्या डालेंगे? इन कार्बनों की विद्युत ऋणात्मकता, इन कार्बनों की बेटा जिस पर धनावेश है ना, इसकी विद्युत ऋणात्मकता इस वाले कार्बन जिससे हाइड्रोजन जुड़ा है और सीएल जुड़ा उससे ज्यादा है बेटा। समझ में आ गई बात? क्योंकि ये sp3 संकृत कार्बन होगा, एकल बंधित कार्बन है, चार बंध बने हैं, ये वाले कार्बन एक तरह से sp2 संकृत कार्बन वाले होते हैं। तो ये कार्बन जिन पर धनावेश है, ये नजदीकी कार्बन, नजदीकी कार्बन बेटा ये जिस पर एक प्रभाव डालेंगे, मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन घनत्व को खींचने का काम करेंगे। तो सोचिएगा, ये धनावेशित कार्बन जब इस पर प्रभाव डालेंगे तो ये कार्बन कुछ सक्रिय हो जाएगा। तो बच्चों ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये कार्बन डैश हाइड्रोजन वाले, ध्यान से सुनिएगा, कार्बन और हाइड्रोजन वाले ये इलेक्ट्रॉन है, इन धनावेशित कार्बन की वजह से प्रभावित होने लगे ये वाले इलेक्ट्रॉन बेटा जी, ये सी डैश एच। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इस धनावेशित कार्बन के साथ संयुग्मन कर लेंगे, तीर का चिन्ह समझ रहे हैं आप, ये इलेक्ट्रॉन इस वलय के अंदर संयुग्मित हो जाएंगे। इन नजदीकी धनावेश का असर पड़ रहा है बेटा, आपको बताया गया कि धनावेश का सबसे ज्यादा असर नजदीकी कार्बन पर पड़ता है, तो ये दोनों धनावेशित कार्बन का असर इस नजदीकी कारण पड़ेगा। तो ये कार्बन क्या करेगा, इस सी डैश एच के इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा बेटा, खींच लेगा, और इसको हेल्प कराता है ये बचा हुआ भाग। ये बचा हुआ भाग क्या है कि सर ये Fe(CL)4 एक निगेटिव बेटा, ये क्या है कि सर ये प्रोटोन के प्रति लगाव रखता है, लगाव प्रोटोन को खींचने का काम करेगा, क्योंकि इसके ऊपर ऋणावेश है। तो ये अगर प्रोटॉन को खींचेगा, प्रोटॉन मतलब ये, और ये एच ऑलरेडी कार्बन से प्रभावित हो चुका है, तो ये बंध थोड़ा कमजोर हो चुका है बेटा। कार्बन डैश हाइड्रोजन जो बंध है ये एक प्रकार से कमजोर हो चुका है बच्चों, कमजोर। तो ये एच धनायन को हटाने में मदद करेगा, एच धनायन को खींचने में मदद करेगा। तो Fe(CL)4 नेगेटिव की बात करूं तो ये बेटा यहां पर लुईस क्षार की तरह से व्यवहार करेगा, क्योंकि एच धनायन को खींचेगा। समझ रहे हैं आप? तो अब क्या होगा, ये स्लो था ये फास्ट हो जाता है, ये वाले बंद के इलेक्ट्रॉन बले में आ गए। अब दो इलेक्ट्रॉन अगर बले में आ गए तो बले में पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे बच्चों, चार, अब कितने हो गए, छह, और छह इलेक्ट्रॉन के होते ही बले के अंदर पूरा विस्थानीकरण होगा, मतलब पाई रिंग बन जाएगी। और यहां से कौन डिस्ट्रीब्यूट, कौन इलिमिनेट हो गया, कौन निष्कासित हो गया, एच धनायन हो गया। अगर ये एच धनायन यहां से निष्कासित हो गया, वो एच धनायन बच्चों दोबारा इसके साथ जुड़कर Fe(CL)4 नेगेटिव आयन के साथ जुड़कर, Fe(CL)4 नेगेटिव के साथ जुड़कर एच धनायन, और इसके सीएल नेगेटिव को खींच लेगा, जिसको मैं कह रहा हूं माइनस HCl, और फिर ये दोबारा जनरेट हो गया Fe(CL)3। समझ रहे हैं आप? इसका एच एस धनायन के रूप में था, वो एस धनायन इसके साथ जुड़कर दोबारा HCl बन गया बच्चों, और दोबारा Fe(CL)3 की प्राप्ति होगी। तो मैंने Fe(CL)3 को यहां पर लिया था, तब मैंने एक बात बताई थी, क्या ये उत्प्रेरक का काम करता है, उत्प्रेरक का भी काम करता है, मतलब उत्प्रेरक वे होते हैं जो अभिक्रिया में लिए तो गए पर वो लास्ट में उसी रूप में बदल जाते हैं, अपने संगठन में संगठन को अपरिवर्तित हुए प्राप्त हो जाते हैं। तो Fe(CL)3 हेयर इज नॉट ए लुईस एसिड एज वेल एज इट एक्ट एज ए किसकी तरह से काम करेगा बच्चों, कैटलिस्ट की तरह से भी काम करेगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे की कहानी तो समझ में आ गई होगी, एच हटा, इसके साथ जुड़ा HCl, Fe(CL)3 निकल गए बच्चों, राइट। अब क्या कर दूं कि सर अब कुछ नहीं, अब कोई कलाकारी का काम नहीं है, बन गए क्लोरोबेंजीन, बन गई बच्चों।
ये गोला लगा दिया, अब समझ में आ गया गोला क्यों लगा दिया गया, पहले क्यों नहीं लगा रहे थे गोला, मतलब पायरिंग अब क्यों नहीं लगा रहे थे, पहले एरोमेटिकता नहीं थी बच्चों, चार पाई इलेक्ट्रॉन थे राइट, दो इलेक्ट्रॉन और आ गए तो छह आ गए, यानी ये इलेक्ट्रॉन जो आ जाएंगे बच्चों कुछ संयुग्मन इस जगह हो जाएगा, कुछ संयुग्मन इस जगह होगा तो हम लगा देंगे बलय, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस जगह संयुग्मन कर लेंगे, समझ में आ रही, धनावेश के साथ कुछ इसके साथ और कुछ इसके साथ, तो एक प्रकार की पायरिंग बन जाएगी, बैठी दिमाग में आपके, इस तरह से अपन ये प्राप्त कर लेंगे क्लोरोबेंजीन बेटा, क्लोरोबेंजीन। अब जब हम लोग ये तो बेटा इसकी पूरी डिटेल्स हो गई, क्लोरोबेंजीन मतलब बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनना हो गया, अगर हम लोग इनकी रिएक्शन सीधी लिखते हैं ना बच्चों सीधी, तो हम बनाते देखो ऐसे बताते अपन, ये लिखी बेंजीन प्लस लिया हमने बच्चों क्लोरीन और एरो पर लिख दिया हमने एपीसीएल थ्री, निर्जल एपीसीएल थ्री कह सकते हैं आप लोग, तो हम लोग शॉर्टकट में क्या बता देते हैं, अक्सर टीचर ये बताते हैं और बताने के मतलब सीधी रिएक्शन ही तो लिखनी होती है, तो हम बताते हैं बेंजीन का बेटा एक एच हटा, एक सीएल के साथ जुड़ा और ये निकल गया बेटा एस सी एल, और जो एक सी एल बचा ना वो जोड़ देंगे जहां एच हटा था, लो जी बन गई। तो ये गलती नहीं है बेटा, उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि वो क्रियाविधि नहीं बता रहे, सीधी रिएक्शन लिख रहे हैं, तो आप सीधी रिएक्शन में तो मैं या कोई टीचर ऐसी तो समझाएगा बेटा, सीधी रिएक्शन में यही तो समझाएगा कि बेंजीन का एच हटा, एच जिस जगह से हटा वहां सीएल जोड़ दिया, क्लोरोबेंजीन बन गया। अब हमारे दिमाग में आज के बाद से बात आ जानी चाहिए कि जब हम लोग उसकी मैकेनिज्म स्टडी करते हैं, क्रियाविधि पढ़ते हैं, तो क्रियाविधि में बेटा ये बात पूरी डिटेल्स में आ जाएगी। आगे बस में जो लोग ले रहे हो बेटा फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब मैं आपको इसकी एक रिएक्शन से और रूबरू करा रहा हूं, एक और रिएक्शन से राइट, वो कोई भी हो सकती है। आपके दिमाग में ये बात आ गई कि सर आपने जो आउटर फ्लो बनाया था, लो स्क्रीनशॉट लो बेटा, कि सर आपने जो बाद में भी ले सकते हैं वीडियो, तो बाद में भी चल के भी स्क्रीनशॉट हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने सर जो आउटर फ्लो बनाया था उसमें हैलोजनीकरण क्रिया कराई, अगर हैलोजनीकरण क्रिया में क्लोरीन वाली क्रिया करा रहे तो हमने लिया था सीएल टू और एफ ई सी एल थ्री बच्चों, अगर मैं ब्रोमिनीकरण कराऊंगा तो बी आर टू एफ ई बी आर थ्री, सब कुछ वैसे ही काम होगा, बी आर बॉन्ड बी आर प्लस एफ ई सी एल थ्री बी आर दनाइन ब्रोमोनियम आइन इलेक्ट्रॉन स्नेही एपी बी आर फोर एक निगेटिव बी आर दनाइन अटैक करेगा, सब ये बनेंगे सीएल की जगह क्या आता जाएगा बच्चों बी आर आता जाएगा। आगे का स्टेप समझ में आ गया कि हाँ सर आ गया बिल्कुल वही। दूसरी क्रिया का नाम बता रहा हूं मैं आपको नाइट्रीकरण, बेंजीन का नाइट्रीकरण, तो नाइट्रीकरण के लिए आपको बच्चों क्या मालूम होना चाहिए, सीधा सीधे तौर पर नाइट्रीकरण के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि नाइट्रीकरण कराता कौन है जिससे वो इलेक्ट्रॉन स्नेही की उत्पत्ति हो, तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही की उत्पत्ति वाला सेंटेंस तो यही रहेगा, ये वाले स्टेप हम जो मटेरियल लिखा था ये मैंने यहां से हटा दिया बच्चों राइट, ये तो हैलोजनीकरण के अभिकर्मक थे ना, अब मैं नाइट्रीकरण की बात बता रहा हूं, तो नाइट्रीकरण के अभिकर्मक कौन होते हैं ऊपर लिखता हूं मैं, कंसंट्रेट HNO3 सांद्र HNO3 बच्चों, और होता है सांद्र H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4 राइट। इसके बारे में मैंने एक बात कही थी, इन दोनों के मिश्रण को कहते हैं नाइट्रीकारक मिश्रण, क्या बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सर, नाइट्रीकारक मिश्रण बोलते हैं बच्चों। दरअसल इन दोनों की रासायनिक क्रिया से इलेक्ट्रॉन स्नेही की उत्पत्ति होगी, जैसे HCl2 और FeCl3 से बना था राइट, वो कैसे होगी देखिए, मैंने क्या किया HNO3 को थोड़ा सुविधा के लिए बना लिया, HONO2 डायरेक्ट लिख सकता था पर मैं आपको समझाने के वजह से पूरी बात समझाऊंगा, HNO3 को मैंने ओपन किया थोड़ा सा HNO3 की जो संरचना होती है बच्चों यहां बनाई देखिएगा, HNO3 की पूरी स्ट्रक्चर बच्चों ये होती है, ये HNO3 की स्ट्रक्चर होती है, मुझे जितनी जरूरत थी बच्चों मैंने ले लिया HONO2 राइट, समझ में आ गई। H2SO4 की स्ट्रक्चर बच्चों ये होती है, H2SO4 की संरचना ठीक है, ये H2SO4 की स्ट्रक्चर है, हम जब जितने की जरूरत है थोड़ा सा उसे उतना ही ओपन कर देते, जैसे बेंजीन में हमें एक एच की जरूरत थी हमने एक एच दिखा दिया, बाकी जगह भी एच थे, समझ में आ रही बात, प्लस लगाया बच्चों मैंने H2SO4 HOSO3H, अब देखो मैंने फिर वही लिखा कि नहीं, देखो जरा HO बचा क्या SO3H बच्चों, दिख रहा है आपको ठीक है, अब देखो इनकी क्रिया से क्या होने जा रहा है ये देखिएगा, बस ये बात समझने के बाद आगे का सेम स्टेप है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये देखिएगा HNO3 और H2SO4 की क्रिया से H2SO4 ने जो अपना H छोड़ा, ध्यान से सुनिएगा, वो इसके ऊपर जो लॉन पेयर होते हैं मैंने नहीं बनाए उसके साथ जुड़ेगा बच्चों,
समझ में आ रही है बात? H2SO4 का जो एच हटा क्योंकि O से जुड़ा है। सक्रिय हाइड्रोजन जो होते हैं ना, सक्रिय हाइड्रोजन को कहते हैं जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हो, नाइट्रोजन से जुड़े हैं, फ्लोरीन से जुड़े हैं, उनको सक्रिय हाइड्रोजन कहते हैं। वो S9 के रूप में विस्थापित हो जाते हैं। तो इसका जो S9 हटेगा वो ऊपर मौजूद लोन पेयर के साथ जुड़ेगा। अब बच्चों ये H अगर ऊपर लोन पेयर पर जुड़ गया तो ऊपर धनावेश आ जाएगा, ऊपर धनावेश आते ही ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी और फिर ये बंद के इलेक्ट्रॉन बंद इस तरह से टूट जाएगा। समझ में आ गई? जिसको मैंने डायरेक्ट तौर पर कह दिया बेटा जाकर H हटा, इसका OH हटा और ये निकाल दिया मैंने -H2O। बात समझ में आई? बोलो हाँ। इसका H और इसका OH, ठीक है। अब देखो बंद के इलेक्ट्रॉन इधर गए तो NO2 पर कौन सा चार्ज आया बताओ बच्चों? कि सर NO2 पर आ जाएगा, धनावेश आएगा कि नहीं? इसका नाम है नाइट्रोनियम। क्या नाम है बच्चों? नाइट्रोनियम आयन कहते हैं। ये काम करेगा किसका? इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम करेगा। बाकी अगर मैं यहां लिखूं पूरी बात कि सर हाँ देखो प्लस H2O, ये सर जो आप माइनस के तौर पर नीचे लिख रहे थे यहां लिख दिया, इसका क्या बचा कि सर HSO4 नेगेटिव। क्या बचा? HSO4 नेगेटिव। आगे के स्टेप की कोई प्रॉब्लम नहीं, हो गया स्टेप एक तरीके से क्रियाविधि। कैसे कि सर ये जो नाइट्रोनियम आयन बना, ये देखो वो Cl धनायन की जगह मैंने क्या लिखा? NO2 धनायन। बच्चों Cl धनायन जहां जहां Cl वहां वहां NO2, जहां जहां Cl वहां वहां NO2। समझ में आई कहानी? एक क्रिया को समझने के बाद बेटा वो आपका आगे की कहानी वही होगी, ठीक है। ये Cl जो लिखा था वो लिख दिया अपन ने NO2, ये Cl जो लिखा था। अच्छा यहां क्या आएगा? यहां इसका बचा हुआ भाग जो HSO4 नेगेटिव है वो लिखा जाएगा HSO4 नेगेटिव। ये किसकी तरह से व्यवहार करेगा? ये भी क्षार की तरह से व्यवहार करेगा। वही सब ABCD आ गई कि हाँ सर ये CH का H हटेगा और वो इसके साथ जुड़कर क्या बन जाएगा कि सर दोबारा प्राप्ति होगी किसकी? जिस H2SO4, तो H2SO4 का रोल प्ले यहां पर उत्प्रेरक की तरह से भी है, दोबारा प्राप्ति होगी बेटा -H2SO4। HSO4 नेगेटिव के साथ ये वाला H जुड़ गया, ये H दिख रहा है आपको, ये जुड़ गया और फिर बाकी हमारे लिए प्राप्त हो गया नाइट्रोबेंजीन, राइट? नाइट्रोबेंजीन। ध्यान से कई बार वीडियो को बेटा कई बार चलाया करो आप, ठीक है ना? YouTube का यही तो फायदा आपको दे रहा हूं मैं। मेरी कोचिंग पर आएंगे तो एक बार में बोर्ड साफ होगा कि नहीं, लेकिन यहां तो बार बार, यहां देखिएगा। अब इसी रिएक्शन को बेटा जब हम लोग लिखते हैं ना यहां, तो हमने कहा बेंजीन प्लस, समझ रहे हैं आप, हमने डायरेक्ट कर दिया HNO3। देखो सीख जाते तो फिर तो बेटा डायरेक्ट लिखनी पड़ेगी किताबी वाली रिएक्शन। ये सांद्र लिख सकते हो, कंसंट्रेट सांद्र को कहते हैं बेटा, ठीक है ना? और सीधा उत्पाद बनाओ क्या? बेंजीन से नाइट्रीकरण होने पर NO2, ठीक है। प्लस जो बचा है क्या कि सर एच, ये जो निकल जाता है H2SO4, आप H2SO4। तो कई बार क्या करते हैं वो H2SO4 को रिएक्शन में दिखाते नहीं है, एरो पर लिख देते, क्योंकि H2SO4 बाद में निकल रहा है ना बेटा, तो आपको कि सर ये H2SO4 और एरो के बाद का H2SO4 कट जाएगा, तो हम ऐसा दिखा देते। अब सुविधा के लिए अपन क्या दिखाते हैं, देखो बच्चों HNO3 का हम क्या बताते हैं कि देखो इसका H हटा, समझ रहे हैं आप, बेंजीन का H हटा और देखो HNO3 का OH हटा, ऐसा बता देते हैं डायरेक्ट। फिर समझो बेंजीन का H और नाइट्रिक अम्ल का OH, समझ में आई कि नहीं? तो लिख देते अपन एरो के नीचे -H2O। तो छात्रों को बता दिए, देखो जहां में NO2 जो बचा OH हटने के बाद, अभी ये संरचना थी ना बेटा H, ये वाली देखो, तो हम कहते हैं OH इसका नाइट्रिक अम्ल का और इसका H, वो पूरी ABCD तो आपने देख ली। देखिए शॉर्ट में बता रहे हम उसी चीज को, डिटेल्स वाली चीज को शॉर्ट में बता रहे बेटा। तो HOH क्या निकल गया? H2 और क्या बचा? NO2, नाइट्रोबेंजीन बन गया। समझ में आ गई बात? बिल्कुल ठीक ऐसे ही अगर मैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की बात करूं, किसकी बच्चों? फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण की। ऊपर का मटेरियल हटाया मैंने यहां से, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या होगा? CH3Cl या कोई और एल्किलेलाइड उसके साथ लेते हैं बच्चों निर्जल AlCl3। क्या लेते हैं? निर्जल AlCl3। इसी प्रकार से फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण क्रिया कराएंगे तो हम लेंगे एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3। दोनों का एक जैसा तरीका है, एक तरीके की बात समझ लो। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा बेटा उन रिएक्शनों में कि सर रिएक्शन में पहला काम होगा क्या? इलेक्ट्रॉन स्नेही की उत्पत्ति। समझ में आ रही बात? आगे के पूरे स्टेप बिल्कुल सिमिलर, नो टेंशन, बिल्कुल सिमिलर। तो सबसे पहले फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण क्रिया में, एल्किलीकरण का मतलब एल्किल, अगर यहां एथिल लोगे तो एथिल आएगा, समझ में आ गई बात?
तो मैंने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड Cl के हाथ, ये तो सर ऑलरेडी ध्रुवीय है, ये तो समझते हैं अपन। और AlCl3 लेने पर ये AlCl3 ये भी लुईस अम्ल की तरह से काम करता है, उत्प्रेरक भी है और लुईस अम्ल भी है यहां, तो ये बंद का विखंडन इस तरह से होगा, ये तो समझ में आ रही है कि हाँ सर ध्रुवी बंद होने की वजह से ये Cl निगेटिव इसके साथ जुड़ गया बच्चों, तो ये बन गया एक प्रकार का संकुल। और संकुलों के IPAC नाम में अगर जो लोग पढ़े हो तो गुनगुना लो, टेट्रा क्लोरो एल्यूमिनेट थर्ड आयन, क्या नाम है इसका IPAC में, टेट्रा क्लोरो एल्यू, बिना गैप दी हुई एक लाइन के नीचे, राइट, टेट्रा क्लोरो एल्यूमिनेट थर्ड आयन कहते हैं बच्चों इसको। और क्या प्राप्त हो गया कि सर मैथिल कार्बनाइन बन गया कि नहीं, इसको कहेंगे मैथिल कार्बनाइन, जो किसका काम करेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम करेगा, किसका, इलेक्ट्रॉन स्नेही का। ये मैथिल कार्बनाइन जो बना हुआ है वो यहां लगा दिया हमने, वही सब कुछ आ गया, देखो आ गया ना मजा, पूरी क्रिया जो मैंने समझाई थी। लो जी गाड़ी गाड़ी चल रही है, मैथिल, अगर एथिल लिया जाएगा तो एथिल आ जाएगा बेटा, लेकिन अगर एन प्रोपिल लिया ना तो पहले उसमें पुनर्विन्यास होता है, आइसोप्रोपिल में बदलता है बच्चों वो, राइट, आगे की बिल्कुल ठीक, सब कुछ एक जैसा काम है। ये बचा हुआ भाग ये वाला ना लेते हुए मैं लिखूंगा AlCl4 निगेटिव जो वहां बचा हुआ है, ठीक है, इससे जो एच हटेगा वो इसके साथ संयोग करके बनाएगा -HCl, जैसे हमने हेलोजनीकरण बताया था, और दोबारा प्राप्त हो जाएगा AlCl3। देखो प्राप्त हो गया, माइनस का मतलब फ्री बैलेंस ही नहीं है, निकलना है। और पुनः प्राप्त होने को आप क्या कहने लगते हैं, देखो सर ये उत्प्रेरक का काम कर रहा है, उत्प्रेरक की इसकी उपस्थिति में ही क्रिया हो रही है, राइट। और बाकी आप देखोगे यहां क्या जुड़ जाएगा बच्चों, CH3, तो ये बन गया टालुइन, क्या बन गया, टालुइन या मैथिल बेंजीन कहते हैं इसको हम लोग, टालुइन या मैथिल बेंजीन IPAC में कहते हैं। अच्छा देखो, अगर मैंने ये लिया होता है एसिटिल क्लोराइड जो फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण क्रिया कहलाएगी, बिल्कुल ठीक कहानी बिल्कुल वैसी, देखो ध्यान से, अब सिर्फ जो लिख रहे हैं वो लिखना नहीं, आप लोग मैं समय के अभाव की वजह से सिर्फ देखेंगे, एसिटिल क्लोराइड बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण की बात कर रहे हैं हम लोग, एसिटिल क्लोराइड वही निर्जल AlCl3, तो यहां बन जाएगा बच्चों, यहां बन जाएगा एसिटिल कार्बनाइन, क्या बनेगा, एसिटिल कार्बनाइन इसके टूटने, और ये Cl इसके साथ जुड़ जाएगा AlCl3 के साथ, जैसे भी जुड़ा था वही बन जाएगा। तो यहां पर अटैक कौन करेगा बच्चों, अब एसिटिल कार्बनाइन अटैक करेगा बेटा, कौन, एसिटिल कार्बनाइन, समझ में आ रही बात। तो यहां कौन जुड़ गया कि सर वही COCH3, बिल्कुल ठीक, आ रहा है ना इंटरेस्ट, बताइए आपको मजा नहीं आ रहा तो बात अलग है भैया, अगर मेरे हिसाब से तो बढ़िया आना चाहिए बेटा, इसको वीडियो को कई बार देखेंगे आप लोग, और अपने आप को, क्योंकि आप 12th क्लासेस की बात अगर कर रहे हैं तो 12th में फिर डायरेक्ट रिएक्शन चलेंगी, तो आपको फिर वो असहज लगेगा कि सर ये कहां से आ गई, इसलिए देखना बहुत जरूरी है बच्चों। ये जुड़ गया COCH3, इसको अपन कहते हैं एसिटोफिनोन, एक प्रकार का एरोमेटिक कीटोन, एरोमेटिक कीटोन क्यों, क्योंकि कीटोनिक समूह डायरेक्ट बेंजीन की वजह से जुड़ा है, इसका नाम होगा बच्चों एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन, फिनोल नहीं, फिनोन, बात समझ में आई। तो अब आज की वीडियो में मैंने आपको बेंजीन के नाइट्रीकरण, ऐसी बेटा सल्फोनीकरण होता है, सल्फोनीकरण क्रिया में इलेक्ट्रॉन स्नेही जो होगा, जैसे इनमें इलेक्ट्रॉन स्नेही देखा था, उसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, H2SO4 के दो अणु उसमें भाग लेते हैं, और H2SO4 के यानी यहां का स्टेप जो होगा, जब मैं बता दूं आपको सल्फोनीकरण की बात करूं, मैं आपको थोड़ा सा यहां बता ही देता हूं, तो इसमें H2SO4 के बेटा दो अणु भाग लेते हैं, H2SO4 के, थोड़ा सा अगर मैं ओपन करूं H2SO4 को तो शायद हो सकता है समझ में ज्यादा आए, तो इससे एक तो बनेगा SO3 इलेक्ट्रॉन स्नेही, एक बनेगा बेटा HSO4 नेगेटिव आयन, और एक बनेगा H3O धनायन, इस तरह से ये बनेगा। अब आप समझो H3O धनायन का अगर एक एच दे दो तो ये H2SO4 हो गया, बाकी ये जो पार्ट है अगर इसके साथ जोड़ दो तो वो H2SO4 हो जाएगा, ऐसा समझ सकते हैं, समझ में आ रही बात। अब ये SO3 इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम करेगा, ध्यान रखिएगा SO3 यहां, SO3 नहीं, SO3 लगता जाएगा, बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से आप बेंजीन की सल्फोनीकरण क्रिया से बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बना सकते हैं। अगर मैं कहता हूं कि बेंजीन से सल्फोनिक अम्ल कैसे बनाएंगे, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का सूत्र होता है C6H5SO3H, तो कैसे बनाएंगे बच्चों, बेंजीन का सल्फोनीकरण कराकर, जो या तो सांद्र H2SO4 लिया जाता है या सदूम सल्फ्यूरिक अम्ल लिया जाता है बच्चों। आज की क्लासेस यही समाप्त करनी पड़ेगी बच्चों मुझे,
और इस वीडियो को अभी खाना खा लो, मैंने मना कर दिया था खाना खाने के लिए कि पढ़ना पहले, कोई बात नहीं खाना खा लो। खाना खाने के जस्ट बाद क्या करना है बच्चों, आपको इन रिएक्शनों को ध्यानपूर्वक क्रियाविधि को थोड़ा सा लिखने का काम करेंगे आप लोग। समझ में नहीं आ रही वीडियो को आगे रखिएगा, लिखने का काम करिएगा। एक दो बार प्रैक्टिस तो करिए, अपने आप को समझाने का प्रयास तो करिए बेटा। ओके चलिए मस्त रहिए। कल की वीडियो में कल या परसों जब भी हमारी बात आएगी आगे की, सबा खैर मतलब सबा कहते हैं किसको, रात्रि को, खैर मतलब खैरियत, गुड नाइट, गुड नाइट, और क्या बोलते हैं शुभ रात्रि, और भी एक शब्द आप जानते हो तो मुझे बताना कि सर आप तीन ही बोलते हो, सबा खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, चौथा आप बताओगे मुझे। ओके बच्चों, ओके थैंक यू, मस्त रहिए।